हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय व्लॉग जिसमें मैंने ट्रैवल किया है टू इटली अगेन. मैं इटली गई बिकॉज द टिकट्स वर चीपर एंड नई जगह एक्सप्लोर की विथ माय फ्रेंड्स. एंड मैं इस वीडियो का स्टार्टिंग और इसका एंड लेना भूल गई थी, तो दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग दिस आफ्टर कमिंग बैक. एंड मैं कल वापस आई हूँ एंड आई एम वेरी एग्जॉस्टेड एंड मुझे काम भी बहुत करना है, बट या सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड. थैंक यू. व्यू देखिए आप, आई कांट बिलीव मुझे ये एक्चुअल में देखने को मिल रहा है. आई एम सो हैप्पी, सो 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 हैप्पी. सो गाइस, ये बस लेने के बाद हम गए पोर्टोफिनो की मेन लोकेशन पे जो हम पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं. एंड साइड व्यू इतना सुंदर था. मेरे ऑपोजिट साइड में सी थी बट मेरी सीट जो थी वो दूसरी तरफ थी, सो आई कुडंट रिकॉर्ड द सी. फिर हम लोकेशन पे पहुंचने के बाद ये चर्च में आए. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल चर्च. एंड फिर हम वॉक करते हुए नीचे आए टू दिस लोकेशन. It's something that moves. तो गाइस जिनोवा में हम इस लोकेशन पे आए जहाँ पे मुझे ये शिप दिखी एंड इट वाज सिमिलर टू द वन जो कि हमने देखी है मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में। एंड बहुत सुंदर शिप थी एंड इसके अंदर भी हम जा सकते थे बट बंद थी उस टाइम। एंड देन हम यहाँ गए जहाँ पे आइस स्केटिंग हो रही थी। इट वॉज़ फन टू वॉच बट मैंने की नहीं क्योंकि आई एम स्कैर्ड, आई हैव नेवर डन इट बट इट वॉज़ फन टू वॉच। मेरा लास्ट डे इन मिलान एंड अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने बिकॉज आई एम हंग्री एंड कल मेरी वापसी है सुबह अर्ली मॉर्निंग। सो देखते हैं आज मैं क्या क्या करती हूँ एंड आई विल शो यू इफ आई कैन वट एवर आई कैन। फॉर द व्लॉग एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं कि नो आई हैव टू डू मोर एंड आई हैव टू ट्राई एंड आई अभी भी मैं आई वॉज स्टडिंग बट आई रिमेंबर दैट दिस वीक मैंने अभी तक ब्लॉग नहीं निकाला है सो आई शुड. सो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी. सी यू इन द नेक्स्ट.